अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसान हैं और इस योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट में चेक करना चाहते हैं, तो अभी आपको पता है कि वेबसाइट में स्टेटस चेक करने में समस्या आ रही है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल से घर बैठे बिल्कुल फ्री में पीएम किसान योजना की वेबसाइट से स्टेटस देख पाओगे। ये तरीका कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आप अपना स्टेटस किस प्रकार चेक कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं पीएम किसान की वेबसाइट में आ चुका हूं और यहां पर अभी सरकार ने इस वेबसाइट में काम किया है, तो यहां पर नए अपडेट आने के बाद स्टेटस चेक करना बहुत ही परेशानी वाला काम बन चुका है। तो यहां पर आप जैसे बेनिफिशियरी स्टेटस में आओगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन एक जगह आ चुके हैं, इस वजह से यहां पर स्टेटस चेक करने में समस्या आ रही है। अब हम आपको बताते हैं स्टेटस आपको किस प्रकार चेक करना है। अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल में और यहां पर आप ना ही तो मोबाइल नंबर डाल पा रहे हैं, ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल पा रहे हैं और ना इमेज को डाल पा रहे हैं, तो सब कुछ तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस स्क्रीन को जूम करना है। अपने दोनों उंगलियों से इसको जूम करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आपके पास जो भी अवेलेबल है, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल हो, चाहे आपके पास मोबाइल नंबर हो, तो यहां पर इनमें से चूज कर लीजिएगा। तो यहां पर मैं मोबाइल नंबर चूज कर चुका हूं। उसके बाद यहां पर आपको मैं जो एरो का निशान दिखा रखा हूं, यहां पर आपको इंटर वैल्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके नीचे आपको एक क्लिक करना होगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं एरो के निशान पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। अब मोबाइल नंबर अगर आपने डाल लिया है तो अब यहाँ पर आपको इमेज कोड डालना होगा। लेकिन यहाँ पर आप इमेज कोड पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। आप कितनी बार ट्राई कर लेना, यहाँ पर देख लीजिए मैं ऑप्शन के लिए ट्राई कर लेता हूँ लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है, टाइपिंग ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम इमेज कोड किस तरह से डालें इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपको इमेज कोड डालने के लिए मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर जो क्रोम ब्राउजर का 3 डॉट दिख रखा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांसलेट का, यहां पर आपको ट्रांसलेट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज है इसकी हिंदी हो जाएगी। यहां पर पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था और जैसे आपने इस लैंग्वेज चेंज किया हिंदी किया तो यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहां पर इंटरफेस है और इमेज कोड डालने का दिख चुका है, यानी ये थोड़ा सा स्पेस बन चुका है। अब यहां पर इसे नीचे जो काटने वाला ऑप्शन है इसे काट दीजिए और यहां पर जो न्यू इमेज कोड डालने का ऑप्शन ओपन हुआ है यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका टाइपिंग वाला ओपन हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जो इमेज कोड दिखा रखा है ये आप डालोगे तो इसे तो ओपन नहीं होगा। अब इसे न्यू टैब में ओपन करना होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं इसे दबा लेता हूँ और इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे एक न्यू टैब ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसे देख लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो इमेज कोड है ये मुझे यहाँ पर डालना होगा, तो यहाँ पर मैं इसे जो छोटा सा स्पेस दिख रखा है यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये टाइपिंग ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर इमेज कोड डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट डाटा वाला जो ऑप्शन है यानी डेटा प्राप्त करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। वेबसाइट रिफ्रेश होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बेनिफिशियरी स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर यह तरीका आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, बहुत ही नए तरह से आपका बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हुआ है। यहाँ पर आप पूरा स्टेटस देख सकते हैं, आपकी पूरी जानकारी देख सकते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी है और लाइव मैंने ओपन की है। यहाँ पर आप मेरा मोबाइल देख सकते हैं, ये मोबाइल में मैंने वेबसाइट में ओपन किया है। अभी ये मोबाइल में ऑप्शन काम नहीं कर रहा था लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है उससे आप अपना आसानी से स्टेटस देख पाओगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद।